चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मिलेट्स, यानी कि मोटा अनाज। मिलेट्स की हम लोग बात करेंगे, हम लोग मोटे अनाज की बात करेंगे, उसकी उपयोगिता की बात करेंगे। मोटे अनाज का पूरा जो पूरा का पूरा है, मोटा अनाज होता क्या है, मिलेट्स क्या होता है, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में इसकी क्या उपयोगिता है, किस तरीके से ये दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं, गेहूं है, चावल है, तमाम तरह की जो फसलें हैं, ठीक है, जो फूड आइटम है, उसकी जगह पे मोटे अनाज का जो इम्पोर्टेंस है या जो उसका रोल है हमारी थाली में, वो कैसे कम हो गया है, उसको दोबारा सही करने के लिए और दोबारा से उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, सरकारें क्या कदम उठा रही है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कदम उठा रही है, आज हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है मिलेट्स, जिसको कह सकते हैं यानी कि मोटा अनाज जो है उसके बारे में है। ठीक है, तो गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। तो जो मोटा अनाज है उसका इम्पोर्टेंस, उसकी उसकी प्रासंगिकता आज से नहीं थी। डिस्कस यहाँ पे इसीलिए किया जा रहा है कि जो सन 2023 है, यानी कि जो इस समय जो करेंट ईयर जो चल रहा है, अगर ईयर की बात की जाए 2023, तो इसको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, इसको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष इसको घोषित किया गया है और कहा गया है और ये माना गया है कि जो सन 2023 होगा वो मोटे अनाज का वर्ष होगा। किसके द्वारा ये कहा गया है, यहाँ पे बताया गया है, जो ये चीज है ये है यूएनओ में। हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे, फिर पीछे जाके देखेंगे और वर्तमान में देखेंगे आगे क्या क्या इसमें किया जा सकता है, और पूरा का पूरा रिपोर्ट डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मोटा अनाज है क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष जो भारत, ये पूरा का पूरा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इस बार इसका जो इस साल जो ये साल है सन 2023 है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज दिवस के रूप में मनाए जाने की बात हुई है। और पूरा का पूरा जो साल 2023 रहेगा ये मोटे अनाज का वर्ष रहेगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, तो ये अभी की हाल ही की चर्चा नहीं थी, इसकी जो परिपाटी थी या इसका जो सिस्टम बना और जो इस तरह से यूएनओ ने ये मान लिया कि मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा सन 2023 में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और भारत ने राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में सन 2018 को उन्होंने ईयर ऑफ मिलेट्स करके इन इंडिया 2018 में उन्होंने इसको वो ये दिवस मना चुके थे। और इस वर्ष को पूरा का पूरा क्या माना गया था कि जो इस 2018 का 2018 होगा वो क्या होगा, राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में जाना जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री की तरफ से, मोदी जी की तरफ से इसको इंसेंटिव इनिशिएटिव किया गया है, बहुत बढ़ावा दिया गया है, रिकमेंड किया गया है और मोटे अनाज को दोबारा वापस अपनी थाली में शामिल करने के लिए और लोगों तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए इसके लाभ को बताए गए हैं, क्या क्या इसके फायदे होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों पे ये लगातार भारत में ये परिपाटी चल रही थी और इसको पूरी तरीके से लागू करने की बात चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे भारत के द्वारा इसका जो अभी यूएनओ में जो ये 2022 जो हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वहां पे देखा जाए तो वहां पे भारत के द्वारा ये चर्चा की गई
और ये मांग की गई, एक तरीके से एक चर्चा हुई और फिर ये एक मांग की गई कि जो सन 2023 होगा उसको अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष का यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स करके मनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो भारत के द्वारा इसका समर्थन किया गया और 70 देशों के द्वारा इसका फिर 70 देशों के द्वारा भारत की का जो पूरा का पूरा जो प्रपोजल था, ठीक है, जो भारत का पूरा प्रपोजल था 70 देशों के द्वारा उसको समर्थन दिया गया। यहाँ पे 70 देशों के द्वारा उसको समर्थन किया दिया गया और ये कहा गया कि आने वाले समय में अगर देखा जाए, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या आने वाले समय में। कहा गया है कि सन 2050 तक 2070 तक, या सीधे सीधे यहाँ पे इसको ऐसे समझ लीजिए कि 21वीं शताब्दी के अंत तक, अगर यहाँ पे बात करिए तो 21वीं शताब्दी के अंत तक 70% आबादी के पास, पहली बात तो जो हम लोग बात कर रहे थे वाटर क्राइसिस जो पढ़ाया गया था प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, एक वो टॉपिक तो था ही, लेकिन 70% आबादी के पास पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाएगी, वो क्या कहते हैं कुपोषण के शिकार होंगे, उनको क्या कहते हैं अन्न की उपलब्धता नहीं होगी, ठीक है, ऐसे तमाम तरह की चीजें होंगी कि और गरीबी से जो लोग जूझ रहे होंगे उनकी संख्या बहुत बढ़ेगी, जिसके कारण से अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक आंकड़ा ये कहता है कि सन 2050 तक 70% ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये पहली चीज तो भुखमरी की शिकार होगी, गरीबी की शिकार होगी, हैं, और स्वच्छ जल की यहाँ हम लोग बात नहीं करते हैं, फ्रेश वाटर की, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन दोनों के होने के बाद में कुपोषण के शिकार होंगे। तो भारत की तरफ से अगर पहल की गई कि मोटे अनाज को और मिलेट्स को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए, तो पूरी दुनिया ने अगर उसके 70 देशों ने समर्थन किया तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन ही होंगे। मेनली यहाँ पे बात हो रही है एशियन कंट्रीज की, अफ्रीकन कंट्रीज की, साउथ अमेरिका के ऐसे देश जो गरीब हैं, और अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीबी है, जहाँ कुपोषण है, जहाँ भुखमरी है, जहाँ हालात बहुत ही खराब हैं, बस से बदतर हालात हैं वहां पे, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे बात हो रही थी। अब पूरी दुनिया अगर कहा जाए सन 2050 तक 2070 तक मैक्सिमम जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं और वो भुखमरी का शिकार होंगे और कुपोषण का शिकार होंगे, तो ये पूरा का पूरा जो इंडिया का प्रपोजल था वो यहाँ पे उसको माना गया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो कृषि मंत्रालय है, जो विदेश मंत्रालय है, दोनों की तरफ से अगर देखा जाए यहाँ पे भरसक प्रयास किए गए हैं, कृषि मंत्रालय की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भरसक प्रयास किए गए हैं और पूरा प्रपोजल वहां पे अपना सबमिट किया गया है, जिसके बाद ये निश्चित हो पाया है कि 2023 जो ईयर है वो पूरा का पूरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। तो यहां तक की तो बात ये हो गई है। चर्चा में किस लिए आया, क्योंकि भारत की तरफ से इसकी पहल की गई है, जो शुरुआत हुई है, जो पहल की गई है वो भारत की तरफ से की गई है। अब थोड़ा सा पीछे से जाके हम लोग अगर देखने की कोशिश करते हैं तो अगर मान लीजिए कि अगर कहीं से सिंधु घाटी सभ्यता से ले लिया जाए, किसी सभ्यता से ले लिया जाए, अगर कुछ 500 साल 1000 साल पहले अगर जो मुस्लिम एरा पीरियड था, फिर जो आधुनिक भारत का समय आया, उसके पहले की सिंधु घाटी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तमाम तरह की जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है, और नदी घाटी के जिसके उपक्रम में जो तमाम तरह की सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, उसके कारण से अगर देखा जाए तो वहां पे मोटे अनाज का बहुत ज्यादा महत्व था। प्रयोग करते थे नहीं करते थे अगर उसको भी छोड़ दिया जाए तो वहां पे जो बहुत बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते थे, बहुत बड़े बड़े वहां पे जो धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते थे, पूजा पाठ होता था वहां पे, जो इसको क्या कहते हैं कि जो यज्ञ में डाला जाता था, हवन में डाला जाता था, पूरा का पूरा वहां पे जो थाल सजाई जाती थी, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हुए हैं। लोथल की सभ्यता है,
गुजरात में अगर देखा जाए, उसके बाद कालीबंगा में देखा जाए, तमाम तरह की ऐसी जितनी सारी मोहन जोदड़ों की खुदाई हुई है या लोथल हुआ है या फिर तमाम तरह का जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा गया है कि मोटे अनाज का प्रयोग और अनुप्रयोग तो बात बात की बात है, धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में बढ़ चढ़ के इसका वो मिलता है प्रमाण। अनुष्ठान की अगर बात की जाए और उसके बाद किसकी बात की जाए, पूजा पाठ में, और इसको मोटे अनाज को शुभ संकेत के रूप में देखा गया है। अगर यहां पे देखा जाए तो इसको शुभ संकेत के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको माना गया है, इसको बहुत ही समझ लीजिए एक तरीके से देखा जाए धार्मिक अनुष्ठान में, पूजा पाठ में और देवी देवताओं को चढ़ाने में मोटे अनाज का वहां प्रयोग किया जाता था। तो जिस सिविलाइजेशन में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर वहां पे इन सब जगहों पे उसके प्रयोग किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से होगा कि वहां पे ये खाने पीने में भी प्रयोग में आते होंगे, ठीक है। तो वहां से हम लोग इसकी चर्चा शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा यहाँ से हम लोग अभी थोड़ा करेंट उठा के, हम लोग बहुत बीच का पॉइंट नहीं उठाते हैं, हम लोग अब जो डिस्कस करते हैं वो थोड़ा सा 1950 के एरा के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है। पूछा जा सकता है आपसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि जो ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, 2023 को क्यों मनाया जा रहा है, मिलेट्स में क्या कहते हैं कि मोटे अनाज में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, आप उसकी इसकी चर्चा कीजिए, उसकी क्या उपयोगिता है, किस तरीके से वो गरीबी को, कुपोषण को और भुखमरी को दूर कर सकता है, तमाम तरह के क्वेश्चन जो मिला के पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा उसकी उसका इंट्रो देते हुए 1950 के बाद से लेके अभी वर्तमान समय तक देखते हैं और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग आज का टॉपिक पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। चलिए अब 1950 के बाद में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो 1950 के बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, हम लोग सीधे सीधे उठा लेते हैं 1947 का टाइम उठा लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1950 में आ जाते हैं और वहां से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं भारत की आजादी के पहले का जो समय था। वहां पे हम लोग इस चीज की डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि जो अथॉरिटी थी, जो सुप्रीमेसी थी और जो सरकारें थी वो बाहर से ऑपरेट करती थी, ब्रिटिश रूल था, उपनिवेशवाद था, ब्रिटिश क्राउन का यहाँ का पूरा शासन था, तो वहां से हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग इस टॉपिक को करंट एरा में देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पीछे से समझाने की इसलिए कोशिश की जा रही थी कि जो भारतीय थाली होती थी पहले, वहां मिलेट्स का, मोटे अनाज का भरपूर उपयोग किया जाता था। अभी हाल के अगर 10-20 साल पहले भी जाके देखेंगे तो लोग अवेयर होते थे, तमाम तरह का जो उनका वो होता था, बाजरा होता था, जौ होता था, राई होता था, रागी होता था, मक्का होता था, तमाम तरह की जो फसलें होती हैं अभी उस पर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बताएंगे कौन कौन सा है। वो भारतीय लोगों के जो खान पान थी, जो उनके जो खाद्यान्न उत्पादन था या फिर जो खान पान में था, अब भारतीय थाली अगर विशेष रूप से बात की जाए उसमें सब जगह वो दिखाई पड़ता था। अभी 20 सालों में ऐसा इतना परिवर्तन हो गया है कि एक तरीके से समाप्त हो गया था। तो सरकार की तरफ से ऐसी पहल क्यों गई की गई है, थोड़ा सा पीछे से आके हम लोग देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो बात हो रही है आजादी के बाद का, कि जब अंतरिम सरकार का गठन हो गया, ठीक है, जब यहाँ पे देखा जाए अंतरिम सरकार का यहाँ पे गठन हो गया, एक तरीके से सरकार का यहाँ गठन होने के उपरांत भारत में एक तरीके से देखा जाए कि अब भारत का जो शासन था वो भारतीय लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ पेंडेमिक के रूप में आया, महामारी के रूप में आया, प्लेग के रूप में आया, तमाम तरह की चीजें ऐसी हुई। फिर क्या कहते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इंडिया चाइना युद्ध हुआ, फिर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो तमाम तरह की ऐसी परिघटनाएं घटी जिसके कारण से सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखने को मिला वो यह देखने के लिए मिला कि यहाँ पे हरित क्रांति होती है। हरित क्रांति होती है और खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए और हर लोगों तक उसको उसकी हर भारतीयों तक उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, अब प्रत्येक लोगों तक खाद्यान्न की उपलब्धता को पहुंचाने के लिए एक तरीके से भारत
ने यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको पता होगा गेहूं, चावल या ऐसी जितने भी प्रकार की फसलें थी, उसको हरित क्रांति में उसको प्रोत्साहन मिला, उसको बढ़ावा मिला। उसके पीछे का रीजन क्या हुआ कि ये थोड़ा सा तेजी से ग्रो करती हैं, आसानी से ये उपलब्ध हो पा रही थी। तमाम देशों के द्वारा अगर देखा जाए उस समय, तो अमेरिका से अगर बात की जाए, अमेरिका से अगर मदद मिली और जो उनको एक गेहूं दिया गया जिसको BL-11 करके, मैं थोड़ा सा नाम यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, जो भी नाम होगा, उसकी उपलब्धता यहाँ पे कराई गई भारत को। उसके बाद में यहाँ पे चावल को बहुत प्रोत्साहन मिला, तमाम तरह की जो इससे रिलेटेड जितनी भी फसलें थी उनको बहुत ज्यादा महत्व मिला। तो पूरा का पूरा जो मोटा अनाज था वो कन्वर्ट होके अब चला आया गेहूं और चावल जैसी फसलों की तरफ। अगर जिनको रबी की अगर फसल बोला जाए, खरीफ की फसल बोला जाए, तो सीधे सीधे इनकी तरफ चला आया। जो मोटे अनाज को अगर देखा जाए तो रबी और खरीफ की फसल, इसके कारण सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ, तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ कि हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो हम लोगों का मोटे अनाज का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था, अब प्रत्येक भारतीयों की थाली में होता था, आसानी से उपज हो जाती थी, तमाम तरह से जो उसकी बेनिफिट्स थे, जो प्रॉफिट्स थे, और जो हेल्थ क्या कहते हैं कि उससे हेल्दी था जो फूड, उसको छोड़ के यहाँ पे रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाने लगी। ऐसा हो क्यों पाया? ऐसा इसीलिए हो पाया कि आसानी से लोगों के पास उपलब्धता हो पाए, इसका चलन बढ़ने लगा, तमाम तरह से प्रोडक्शन बढ़ने लगा। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट यहाँ पे ये कहती है, मैं थोड़ा डिस्कस कर दूँ थोड़ा सा। 2015 में एक रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि 1950 के बाद से, 1950 के बाद से अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में, यानी कि 2015 तक में एक रिपोर्ट आई थी किसी मंत्रालय की, भारत सरकार की जो किसी मंत्रालय है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उसकी एक रिपोर्ट आई हुई थी। उसमें ये कहा गया कि गेहूं का उत्पादन उत्पादन कितना बढ़ा? 3 गुना बढ़ा। लेकिन वहीं चावल का उत्पादन 800 गुना बढ़ा। अब गेहूं के उत्पादन में यहां पे कितनी बढ़ोतरी हुई है? वहां 3 गुने की बढ़ोतरी हुई है। अब वहीं चावल के उत्पादन में 800 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा, अगर बाजरा बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है मोटे अनाज में अगर देखा जाए, तो इन सालों में अगर देखा जाए या हाल के वर्षों में देखा जाए, बाजरे का अगर सबसे महत्वपूर्ण फसल है और सबसे ज्यादा मोटे अनाज में उगाई जा रही है, तो केवल और केवल 6%, 6% है पूरे भारत में जो बाजरा उत्पादित हो रहा है। बाकी फसलों की तुलना में वो सिर्फ कितना है? 6% है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, और सरकार के द्वारा जो इंसेंटिव दिया जा रहा है, इनिशिएटिव दिया जा रहा है, और तमाम तरह से जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, और तमाम तरह से इस फसल की बात हो रही है, और तमाम तरह से इनको बात अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करके पहुंचेंगे, और फिर पूरा रिपोर्ट उठा के डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में आज के समय का सिनेरियो क्या है या सिस्टम क्या है। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो 1950 के बाद अगर इनकी बात की जाए, गेहूं के उत्पादन को 3 गुना बढ़ा हुआ पाया गया और चावल उत्पादन में 800 गुना की वृद्धि हुई। अब वर्तमान समय में अगर बात की जाए, मोटे अनाज की बात की जाए, तो पूरे दुनिया की यहाँ पे बात की जा रही है, तो भारत, चीन और ईरान जैसे कुछ देश अगर यहाँ पे जोड़ दिए जाएं, भारत हो गया, ईरान हो गया, चीन हो गया, पूरी दुनिया का 55% मोटा अनाज उगाते हैं। और उसमें भी अगर बात की जाए, उसमें भी अगर ये बताने की कोशिश की जाए, उसमें भी अगर ये डिस्कस किया जाए, और ये अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस जो कर रहे हैं, भारत पूरे अगर भारत को देखा जाए तो मोटे अनाज की उपज जो यहाँ पूरे फसलों की उपज का 6% है, उसके बाद भी ये दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहा जाए, 1 नंबर पे है। यानी कि मोटे अनाज के उत्पादन में, या मिलेट्स जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो आज हम लोग का टॉपिक है, और मिलेट्स इन इंडिया हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे,
उसमें भारत दुनिया में एक नंबर का देश है, इतना सब होने के बावजूद, जबकि एक तरीके से पूरा का पूरा समाप्त ही हो गया है, पूरा का पूरा एक तरीके से समाप्त हो गया है। अगर इसमें इतना ग्रोथ दिखाई पड़ता है तो वहां पे ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अभी हाल के दो, अभी जब से 2018 में ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है भारत में, मोटे अनाज का वर्ष जो घोषित किया गया है, उसके बाद सरकार द्वारा, तमाम तरह की अथॉरिटीज द्वारा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज के द्वारा और जितने भी इतनी अथॉरिटीज हैं और मंत्रालय हैं उनके सहयोग से, राज्य सरकारों के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से, तमाम तरह से जो मोटे अनाज को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, मोटे अनाज को उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, खरीद बिक्री के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ तक कोशिश की जा रही है कि यहाँ से उनका निर्यात किया जाए बाकी के देशों में, ठीक है, कुपोषण से जो लोग ग्रसित हैं उनको, उन तक पहुंच किस तरह से उपलब्ध कराई जाए, तो यहाँ पे इस तरह से तमाम तरह की इनिशिएटिव देने के कारण, ठीक है, प्रोत्साहन देने के कारण और तमाम तरह की उनको सुविधाएं देने के कारण से आज मोटे अनाज में जो भारत में इधर 2-3 सालों में जो ग्रोथ हुई है वो बड़ा ही अच्छा और बड़ा सराहनीय कदम है सरकारों की पहलों के कारण, या वर्तमान जो सरकार है उसकी पहल के कारण वो बढ़ के यहाँ पे हो गया है 147%। ग्रोथ भले ही अगर इसकी की जाए ओवर और एरिया की अगर बात की जाए तो वो समझ लीजिए इतना हो गया है, ठीक है। और ऐसा हो क्यों पाया है उस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। देखिए, जो भारत में कृषि योग्य भूमि थी अगर वर्तमान में अगर बात की जाए तो, अगर 1950 के बाद से लेके देखा जा रहा है तो 3.4 करोड़ हेक्टेयर ये क्या थी, भारत में कृषि योग्य भूमि थी, जो वर्तमान में घट के विभिन्न कारणों से, कारण बहुत सारे होंगे, एक तो पहली बात है औद्योगिक क्रांति है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पे अभी चली रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर के ही कंट्री में चल रहा था, यूरोपियन कंट्री में चल रहा था, मॉल कल्चर है, इंडस्ट्री कल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे पढ़ाया भी था कि जो अर्बन ग्रोथ है वो अब किधर की तरफ बढ़ रहा है, गाँव की तरफ बढ़ रहा है, रूरल एरिया में बढ़ रहा है, तमाम तरह के ऐसे कारण होंगे, तमाम तरह की ऐसी परिपाटी बनी होगी तमाम कारणों से, कॉजेस के कारण, ठीक है। जो कृषि योग्य भूमि थी भारत में 2050 के बाद से या वर्तमान आज के समय तक में अगर देखा जाए तो वो कितनी थी, 3.4 करोड़ हेक्टेयर थी, कृषि योग्य भूमि थी, अब वो घट के कितना हो गया है, वो 1.3 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। सरकारें जो वर्तमान में सरकार है, राज्य सरकार है, सरकार की तरफ से पहल इसलिए की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज होना निश्चित है, पढ़ाया गया है वीडियो में, जिसके कारण से जो कृषि की उत्पादकता है वो घटना एकदम निश्चित है। उसके बाद भी जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, अब बात हो रही है स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट विलेज की, जो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर से किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, विकास की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन में देख लेंगे, एनर्जी सोर्सेस में देख लेंगे, रिसोर्सेस में देख लेंगे, तमाम तरह की ऐसी भारत में जितनी भी तरह की जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके कारण से जो कृषि योग्य जो भूमि थी वो 3.1 लाख करोड़ हेक्टेयर से घट के कितना हो गई है, 1.3 लाख करोड़ हेक्टेयर यहाँ पे घट के हो गई है, जिसके कारण से ये पहल की जाने की आवश्यकता है। और दूसरा एक तो कारण क्यों है कि मोटे अनाज को इतना ज्यादा सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है, इनिशिएटिव मिल रहा है, क्योंकि जनसंख्या और गरीबी और भुखमरी अगर इनको सीधे सीधे देखा जाए, और कुपोषण तो मान लीजिए कि है ही, उसमें तो कोई नो डाउट है, इन सब के कारण से मोटे अनाज को जलवायु परिवर्तन के कारण, पेंडेमिक के कारण, तमाम तरह की असुविधाएं होने के कारण, जल की पर्याप्त उपलब्धता ना होने के कारण, मिट्टी की गुणवत्ता एकदम खराब होने के कारण, मिट्टी की गुणवत्ता भी, जो सॉइल क्वालिटी है वो भी खराब होने के कारण, और पानी वाटर क्राइसिस होने के बाद भी, क्लाइमेट चेंज होने के बाद भी, ग्लोबल वार्मिंग होने के बाद भी, जो मोटे अनाज है उसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलता है कि उसको इन सब कमियों के बावजूद, तमाम तरह की दिक्कतों के बावजूद आराम से उसको आप क्या कहते हैं, उसको फसलों को उगा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और उसका प्रोडक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं। किसकी तुलना में, गेहूं
यानी और चावल जैसी फसलों के जगह पे और रबी और खरीफ की फसलों की जगह पे। तो बड़ा ही अच्छा सरकार का पहल था, बड़ा ही अच्छा एक तरीके से इनिशिएटिव था। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की बात करेंगे, फिर सोशल सेक्टर की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आके पूरा का पूरा वो जो हम लोगों का जो टॉपिक होता है, रिपोर्ट होती है, जो पूरा उसका जो कंक्लूजन होता है वो हम लोग रिपोर्ट से डिस्कस करेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं कि थोड़ा सा हम लोग अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं और देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि मोटे अनाज या मिलेट्स का उत्पादन और उसकी उत्पादकता को क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 1950 के बाद से अगर देखा जाए तो कृषि की जो भारत की कृषि कृषि व्यवस्था थी या भारत का जो कृषि एग्रीकल्चर सिस्टम था, कृषि व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कुछ खाद्यान्न फसलों को छोड़ के, गेहूं को छोड़ के, चावल को छोड़ के, या रबी या खरीफ की फसलों को, या जायद की जो फसलें हैं, ठीक है, उसके बाद भी तमाम तरह के फल फ्रूट्स हैं, जो उन सब चीजों को अगर छोड़ के यहाँ पे मैं अगर बात करने की कोशिश करूं तो कृषि क्षेत्र में हम लोगों का जो 1950 के पहले का जो अगर हम लोग नहीं, अगर 1950 से ही बात कर ले, ठीक है, तो भारत का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो क्या था, वो निर्यात पे आधारित था कि यहां से वो एक्सपोर्ट किया जाता था, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था या प्रोडक्ट था उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में उसमें परिवर्तन क्या आया, वर्तमान समय में उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि वो आयातित हो गया। आयातित किस लिए हो गया, पहली तो इतनी बड़ी जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति को करना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था, निश्चित नहीं हो पा रहा था, जो कृषि योग्य भूमि थी वो 3.1 लाख करोड़ हेक्टेयर से घट के 1.3 लाख करोड़ हेक्टेयर पे आ गई थी, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि हुई, गरीबी भी बढ़ी, कुपोषण बढ़ा, ठीक है, और पूरी जनसंख्या को खाद्यान्न की उपलब्धता कराने के लिए जो भारत की कृषि व्यवस्था निर्यात पर आधारित थी वो अब आयात पर आधारित हो गई है, ठीक है। और कहा यह जाता है कि भारत की 70% आबादी, जो 70% ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, 70% ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, कृषि व्यवस्था पर डिपेंड थी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब कृषि आधारित होने के कारण पहली समस्या आ रही थी कि भाई अब इसीलिए तो बात हो रही कि मोटे अनाज को उगाया क्यों जाए, इसको समझ में आ जाएगा तो पूरा का पूरा रिपोर्ट उठा के हम लोग देख लेंगे कि एक्चुअल में है क्या। 70% कृषि व्यवस्था पे आधारित थी तो इसका मतलब मान के चलिए कि जो 70% भारत की आबादी थी वो कहाँ पे थी, वो गांव में या विलेज में रहती थी, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से गरीबी रेखा के नीचे भी आ रहे हैं, तो 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। अब इनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है रोजी रोटी और कपड़ा। अगर अगर मकान की बात करें कि मकान, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो भी चीजें हैं इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इनकी आय के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ही, यानी कृषि संबंधित कार्यों में ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि में बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि इनको यहाँ पे रोजगार मिले, ठीक है, जिससे कि ये शहरों की तरफ पलायन ना हो सके, माइग्रेट ना हो सके। सब टॉपिक एक दूसरे से इंक्लूड है, यहाँ जो भी वीडियो पढ़ाया जा रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे माइग्रेशन इन इंडिया में पढ़ा रहा था, तो ये इसी से संबंधित है। किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को अलग करके आप देखेंगे तो आप मेंस में, कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस में आप अच्छी तरीके से आप लिख नहीं सकते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएगी। तो देखिए, अगर यहाँ पे कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है तो कहाँ पे आपको प्रयोग अनुप्रयोग करने हैं, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही उसके क्या कहते हैं प्रयोग अनुप्रयोग करने होंगे, यानी कि रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में आप उसके अनुप्रयोग और प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो इसकी समस्या हल हो जाएगी, तो इसके कारण से जो पलायन की समस्या है वो नहीं हो पाएगी, जो शहरों की तरफ जो क्या माइग्रेट होते हैं, जो ये जो गांव के लोग हैं वो नहीं हो पाएंगे। दूसरी क्या समस्या थी, खाद्यान्न की उपलब्धता थी,
और एक तरीके से अगर देखा जाए, एक तरीके से अगर समझने की कोशिश की जाए, तो सस्ते अनाज यहाँ पे कह दीजिए, तो सस्ते अनाज की यहाँ पे आवश्यकता बहुत थी, तो सरकार ने इसीलिए मोटे अनाज को बढ़ावा देने की कोशिश की या मिलेट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की। और दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे चीज थी कि गरीबी रेखा के जो लोग नीचे रहते थे उनको खाद्यान्न की उपलब्धता की आवश्यकता थी, उसके कारण से यहाँ पे सभी को भोजन या खाद्यान्न उपलब्ध कराना। इन सब के बावजूद जो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक समस्या जो सबसे ज्यादा है और जिसके कारण से तमाम तरह की चीजें हो पा रही हैं, तो यहाँ पे मेरे द्वारा अगर इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करिए, तो जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, हाल ही में अभी कुछ दिन पहले की भी बात है, आज के समय में भी अगर आज के डे की बात कर रहा हूँ, करेंट डे की बात कर रहा हूं, तो देखिए इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश क्यों हो रही है? जब गेहूं, क्या कहते हैं, गेहूं की फसल कटने वाली रहती है, ठीक है, तो तमाम तरह से देखिए चावल का वो पानी की जब आवश्यकता होती है तो बारिश नहीं होती है, गेहूं को जब पानी की आवश्यकता नहीं होती है तो बारिश बहुत होती है। तो जो पूरा का पूरा क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट रिजीम है, जो क्लाइमेट का क्षेत्र है, जो एरिया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो बड़ा परिवर्तित हो गया है। अब खरीफ की फसल कब उगाई जाएगी, रबी की फसल कब उगाई जाएगी, हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करें, समझाने की ये कोशिश मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोगों को इस तरह से समझना पड़ेगा कि अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, कुछ इतना इनोवेटिव करेंगे और इनिशिएटिव इतना गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए मिल रहा है मोटे अनाज के लिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज का, पेंडेमिक का, पानी की उपलब्धता का, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने पर, तमाम तरह से क्या कहते हैं फसली वर्ष जो आगे पीछे हो रहा है, और उसके कारण जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो वेदर शिफ्टिंग है, सब कुछ होने के बाद भी मोटे अनाज अभी भी आसानी से उगाए जा सकते हैं और उसका लार्ज प्रोडक्शन किया जा सकता है। किस लिए करना है, किस लिए जरूरी है, क्योंकि उससे शहरी और एक क्या कहते हैं कि जो उच्च वर्ग है और मध्यम वर्ग को ना ध्यान में देके निम्न वर्ग की यहाँ पे बात हो रही है, और निम्न वर्ग से अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऐसे लोगों से बात हो रही है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो खेती किसानी कर रहे हैं, जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए और उनके विकास के लिए और अपने जगह पे अपनी अपने गांव में रहते हुए और अपने जगह पे रहते हुए मोटे अनाज को बढ़ावा इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये आसानी से उपजाया जा सकता है, तमाम तमाम तरह की अनकंडीशनल चीजों के बाद, अनकंडीशनल फैक्ट्स के बाद, क्लाइमेट्स के बाद, सॉइल क्वालिटीज के बाद, वाटर क्राइसिस के बाद इसको आराम से उगाया जा सकता है। तो अब इस तरह से अगर देखा जाए तो गेहूं की जो खरीफ की फसल है और जो रबी की फसल है और जो जायद की फसल है, उसको बढ़ावा देने के साथ साथ उसी के इक्वेलेंट में, उसी के बराबरी में अब किसकी यहाँ पे मांग ज्यादा बढ़ रही है, मोटे अनाज की मांग ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि मोटे अनाज की उपलब्धता और एक तरीके से कहा जाए इसकी उत्पादकता को सुनिश्चित करना सरकार का सबसे बड़ा काम है। सरकार का प्रमुख दायित्व तो है एक तरीके से देखा जाएगा। तो ये हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेते हुए सोशल एस्पेक्ट पे भी चर्चा कर रहे थे, सरकारें इसको किस तरीके से बढ़ावा देती हैं और सरकारें क्या कदम उठा रही हैं, चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज को लेके आएंगे, इसी तरीके से पूरा टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट करना है कि कोई भी उसमें की वर्ड्स अगर आ जा रहा है कि मिलेट्स को लेके स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी दिक्कतें हैं जो मिलेट्स के यूज से, उपयोग से, अनुप्रयोग से है उसको दूर कर सकती है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि सरकारों की तरफ से इसके इस पे क्या पहल किया जा रहा है। उसको दो पॉइंट पे हम लोग को समझना है, मेरे द्वारा यहाँ पे जो अगर हमारे आप चैनल पे जाके देखेंगे, अगर हमारे टॉप क्लास पे आप जाके, अगर हम लोग के चैनल पे आप देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो वहां जाके आप लोग थोड़ा सा देखिएगा तो वहां पे पढ़ाया गया है, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, दो तरह के सिस्टम्स हैं, बार बार वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर हर टॉपिक्स पे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो पहला जो था यहाँ पे पीडीएफ सिस्टम,
ठीक है, पहला यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग का था जो पीडीएफ सिस्टम था, और दूसरा यहाँ पे था एमएसपी, सरकारों के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, परियोजना चलाए जा रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक दिन पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही है सोशल सेक्टर को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही है उसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक जो है दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग समझते हैं कि अगर मिलेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मिलेट्स की बात हो रही है, मिलेट्स की अगर यहाँ पे बात हो रही है, मोटे अनाज की अगर यहाँ पे बात हो रही है, तो सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव दिया जा रहा है, जो प्रपोजल है, जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसको दो तरीके से दिया जा रहा है। देखिए, सरकार ने दो तरह के सिस्टम लागू करके रखे हुए हैं अपने पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में। किसके लिए लागू करके रखे हुए हैं यहाँ पे, ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बीपीएल को अगर ले लूं, एपीएल को अगर ले लूं, तो ये तो अपनी जगह पे है। इसके साथ साथ जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग रह रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो 70% यहाँ पे आबादी की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, 70% लोग अभी भी गरीब हैं, अभी भी 70% लोगों को खाद्यान्न की उपलब्धता पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाई है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं। अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पे आधारित होने के कारण हम लोगों का जो सेंट्रल पॉइंट होगा और जो एकदम फोकस जहां पे हम लोगों को करना है वो 70% ऑफ पॉपुलेशन को फोकस करना है। 30% पॉपुलेशन की अगर यहाँ पे जो बात हो रही है, यानी कि 30% पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास है, जो अगर अगर उसमें भी अगर यहाँ पे समझाने की कोशिश करें तो चलिए थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बार बार ये टॉपिक आएगा हर। तो यहाँ पे एक अपर क्लास है और यहाँ पे एक मिडिल क्लास है और यहाँ पे एक लोअर क्लास है। ये जब सोशियोलॉजी में मेरे द्वारा ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो इनमें भी इन्होंने तीन तीन तो क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है। तो हम लोग कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोगों को समझना जरूरी होगा क्योंकि कन्वेंशनल टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं और यूपी पीसीएस में पूछे जा रहे हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछे जा रहे हैं, वो कोई एक जगह पे निश्चित नहीं होते हैं, एक जगह पे निर्धारित नहीं होते हैं, उसको समझने की जरूरत होगी। यहाँ पे भी कहा जा रहा है अपर क्लास, ठीक है, अपर मिडिल क्लास और अपर लोअर क्लास। ये देखिए तीन तीन तो यहाँ पे फिर जाके वो चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर मिडिल क्लास की बात की जाएगी तो अपर मिडिल क्लास, उसके बाद यहाँ पे अपर मिडिल क्लास है, यहाँ पे अपर मिडिल क्लास हो गया, अपर लोअर क्लास हो गया। यहाँ पे भी किया जाएगा तो लोअर अपर क्लास हो जाएगा, लोअर मिडिल क्लास हो जाएगा और लोअर लोअर क्लास हो जाएगी। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और जिस परसेंट पॉपुलेशन और परसेंटेज की बात कर रहे हैं वो हम लोग पूरा का पूरा अगर लोअर क्लास भी उठा के देख ले रहे हैं तो उसके भी तीन तरह के वो क्लासिफिकेशन किए गए हैं। लोअर क्लास जो है हम लोगों का, उसमें भी लोअर अपर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर 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 क्लास है। तो अगर हम पूरा का पूरा लोअर क्लास उठा के देख ले रहे हैं तो यहाँ पे 70% ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है और सरकार की तरफ जो इनिशिएटिव दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तमाम तरह की जो योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार का ये दायित्व तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का है कि तमाम तरह से डिस इन्वेस्टमेंट करके, प्रॉफिट गेन करके, ठीक है, बजट में ऐसी तमाम तरह की योजनाएं परियोजनाओं को ला के उसको लागू करके किसको बेनिफिट देना है, किसको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट और मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने के बाद उनसे किसी भी तरीके का इनकम ना गेन करना। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह की बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहला तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी के यहाँ पे बात हो रही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है सरकारों की तरफ से दिया जा रहा है, किस पे दिया जा रहा है, खाद्यान्न के उत्पादन के समय जो दिया जा रहा है,
और उत्पादन के बाद जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है वो रबी की फसल को दिया जा रहा है, खाद्यान्न की फसल को दिया जा रहा है, जायद की फसल को दिया जा रहा है, कि एक क्या कहते हैं कि निश्चित अमाउंट उनके लिए सरकारों के द्वारा निर्धारित होता है, सरकारें उसकी खरीद बिक्री करती हैं, और ये जो FCI होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, वहां पे कोल्ड स्टोरेज में उसको रखा जाता है, और सरकारें जो खरीद करती हैं, चाहे गेहूं हो गया, चावल हो गया, रबी हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया, इन तमाम तरह की जो फसलों की सरकार खरीद फरोख्त कर रही है, उसको कहां पे स्टोर किया जा रहा है? FCI के गोडाउन में स्टोर किया जा रहा है। यानी कि इसको ऐसे समझ लीजिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब FCI के गोडाउन में इसको स्टोर किया जा रहा है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहां पे, स्टोर करने के बाद ठीक है, यहां पे सरकार PDS के थ्रू, यानी कि अगर इसको देखा जाएगा तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इसको सामान्य लोगों तक प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि अन्न वितरण योजना, मुख्यमंत्री अन्न वितरण योजना, जो फ्री में जो खाद्यान्न दिया जाता है या जो थोड़ा सा प्राइस लेके वहां पे बात की जा रही है, उसको उन लोगों को उपलब्ध कराते हैं, कि गेहूं वहां पे उनको 2 रुपया किलो मिलेगा, तो चावल उनको 3 रुपया किलो है, तो तमाम तरह के ऐसे ऐसे करके उनको जो दिया जाता है, और दिया किसके थ्रू जाता है, वहां पे जो गल्ले की दुकान होती है PDS के थ्रू, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू उनको दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है, जो BPL APL संबंधित लोग हैं उनको खाद्यान्न महीने का निश्चित कर दिया जाता है, कितना गेहूं, इतना चावल, वो सब चीजें उनको मिल पाएंगी। ठीक है, इसमें नया प्रयोग अनुप्रयोग क्या हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। अब ये कहा गया है कि MSP का जो रेट है वो रबी और खरीफ की और जायद की फसलों के साथ साथ, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट करिएगा, तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलों को तो जो MSP के थ्रू जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दिया ही जा रहा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकारों के द्वारा दिया जा रहा था, उसके बाद इसमें यह कहा गया है कि मिलेट्स क्रॉप्स जो होंगे, यानी मिलेट की जो फसल होगी या मोटे अनाज की जो फसल होगी और जो उत्पादकता, जो प्रोडक्शन होगी, उस पर भी सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको लागू कर दी है, बहुत जगह लागू हो गया, एक तरीके से पूरे भारत में लागू हो गया है। तो अब यहाँ पे ये चेंज सबसे बड़ा हुआ है कि मोटे अनाज में भी MSP को लागू कर दिया गया है, इतनी अच्छी पहल है। अब इसके बाद ये कहा गया है कि भाई गेहूं, चावल, जो जायद है, जो क्या कहते हैं, चना मुफ्त में वितरित किया जा रहा है, तिलहन मुफ्त में वितरित किया जा रहा है, जो तेल दिया जाता है सरकार की तरफ से 1 लीटर सरसों का तेल, तमाम तरह की जो फसलें उत्पादित हो भी रही हैं, लोगों को बांटी भी जा रही हैं PDS के थ्रू, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू बांटी जा रही हैं, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ा चेंज आ रहा है वो चेंज क्या आ रहा है, उसको समझने की जरूरत है यहाँ पे, कि सरकारों के द्वारा गेहूं का वो PDS के थ्रू वितरण हो रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, चावल का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत PDS की तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनको क्या कहते हैं कि दिया जा रहा है, जायद की कुछ फसलें हैं, कुछ तिलहन की फसलें हैं तो उनको मुफ्त में वितरित की जा रही हैं, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट 2 रुपया 3 रुपया किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। मोटे अनाज को सरकार इसलिए शामिल कर रही है, पहले तो उसको क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन उसका आसान है, क्वालिटी ऑफ सॉइल खराब है कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी की गुणवत्ता खराब है कोई दिक्कत नहीं है, पानी की उपलब्धता है कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर शिफ्टिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी भूमि पे, ऐसी अनुपजाऊ भूमि पे, ऐसी उर्वर जो भूमि नहीं है, जो फर्टिलाइज भूमि नहीं है, अनफर्टिलाइज भूमि है, जो लैंड है, वहां पे भी उनको प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहन इसलिए दिए जा रहा है कि अधिक से अधिक इसका प्रोडक्शन होगा, तो सरकार इसको PDS के थ्रू आम लोगों तक इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाएगी और कंफर्म कर पाएगी। तो PDS के थ्रू जब इसकी इसको जब सुनिश्चित कर पाएगी और निश्चित कर पाएगी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए सरकारों के पास एक विकल्प बन के तेजी से तैयार हो रहा है, और मोटे अनाजों के लिए सरकार ने 1 रुपया, एक तरीके से देखा जाए यहां पे 1 रुपया पर केजी,
के हिसाब से एमएसपी में वहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के बाद, एफसीआई के गोडाउन में रखने के बाद, और जब पीडीएस के थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, बीपीएल एपीएल हैं, जो बीपीएल एपीएल कार्ड धारक हैं, और जो गरीबों तक इसकी पहुंच की सुनिश्चित करना है या एकदम से फ्री में जो वितरित कराना है या जो उसका उसके लिए उन्होंने अमाउंट भी निर्धारित कर रखा हुआ है, वो एकदम से फिक्स किया गया है कि 1 रुपया पर केजी। तो ये पूरा जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, अब इसके बाद हम लोग हेल्थ इश्यूज पे आ जाएंगे। हम लोग पहले थोड़ा सा क्या कहते हैं ओल्ड एरा में गए, फिर मिडिल एरा में आए, फिर 1950 में आए, उसके बाद में हम लोग ने हरित क्रांति में देखा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक सेक्टर में देखा, वर्ल्ड सेक्टर में, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग ने इस टॉपिक को समझा, UNO के थ्रू समझा, FAO जो फूड अथॉरिटी ऑफ वर्ल्ड करके है, FAO वर्ल्ड करके है, उसके थ्रू हम लोग ने समझने की कोशिश की। अब सोशल सिस्टम में इसको समझने के बाद हम लोग हेल्थ सेक्टर में आएंगे। तो ये पूरा का पूरा 1 रुपया पर केजी आएगा। इसी को थोड़ा सा रिलेट करते हुए, इसी को थोड़ा सा रिलेट करते हुए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो जिससे ये ज्यादा समझ में आएगा। पहली चीज तो लोगों को उपलब्ध होने लगेगा। फायदा इसका सबसे बड़ा क्या मिलेगा आम लोगों तक, जो सरकार का जो इनिशिएटिव है, जो इसका पूरा का पूरा प्रपोजल है, जो प्रोजेक्ट है मोटे अनाज को लेके, मिलेट्स को लेके, उसमें जो सबसे बड़ा चेंज आएगा उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसी से हेल्थ सेक्टर को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, हेल्थ इश्यूज को ऐड करेंगे, और फिर लास्ट में देखेंगे कि मिलेट्स है क्या और ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। थोड़ा सा हम लोग उसी पे इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। देखिए, आप 1 रुपया पर केजी के हिसाब से पीडीएस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के कारण, प्रोत्साहन के कारण 1 रुपया पर केजी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसको बांटा जा रहा है, इसको लोगों तक उपलब्ध कराया जा रहा है, गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। पहुंचाने के कारण पहली चीज क्या होगी कि अधिक से अधिक लोगों तक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। इसका जितना अगर गेहूं चावल की तरह अगर इसका भी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन अगर हुआ, तो अधिक से अधिक लोगों तक मोटे अनाज या मिलेट्स की पहुंच जो हो पाएगी वो सुनिश्चित हो पाएगी, जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि सभी तक खाद्यान्न फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। पहला पॉइंट अगर हम लोग इसमें देखें तो सभी को खाद्यान्न उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है, गरीबी को समाप्त किया जा सकता है, भुखमरी समाप्त हो जाएगी, अब जो सरकार की तरफ से जो बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड्स हैं, और ठीक है, जो जो कुपोषित लोग हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, तमाम तरह के विटामिन्स जो नहीं मिल पा रहे हैं, इस फसल में, मोटे अनाजों में पर्याप्त मात्रा में इफेक्टिव रेशियो में और उसके प्रपोर्शन में उपलब्ध होने के कारण मोटे अनाज में सबसे बड़ा जो चेंज आएगा, वो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे क्या आएगा कि कुपोषण की समस्या और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास पहले तो कुपोषण की समस्या समाप्त हो जाएगी और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, उसके साथ साथ महिलाओं और बच्चों को, यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, महिलाओं व बच्चों को एक सुपयोजित आहार और सभी गुणों से युक्त खाद्यान्न उपलब्ध हो पाएगा। जो सरकार के लिए सबसे बड़ा
इनिशिएटिव है ऐसे लोगों के लिए। तो हेल्थ सेक्टर में ये सबसे बड़ा चेंज आएगा और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं और जो हेल्थ इश्यूज हैं, अगर मान लीजिए कि अगर गरीबी देखा के लोग जो एपीएल बीपीएल लोग रह रहे हैं, सरकारों के द्वारा जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, सरकार के द्वारा जो उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लंबे लंबे जो बजट हो रहे हैं जो हेल्थ सेक्टर के लिए, मेनली गरीबों के लिए या 70% आबादी के लिए जो गरीबों के लिए जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनके लिए तमाम तरह से जो बजट का अलॉट किए जा रहे हैं, तमाम तरह की उनको फैसिलिटीज जो अवेलेबल करवाई जा रही हैं, सब लोगों तक मोटे अनाज के द्वारा, मोटे अनाज की उपलब्धता के द्वारा, खाद्यान्न आपूर्ति के द्वारा अगर वो लोग स्वस्थ होंगे, बीमारियां कम होंगी और तमाम तरह की उनकी स्वास्थ्य संबंधित जो असुविधाएं हैं या बीमारियां कम होगी, तो जिससे सीधा सीधा जो सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत पैसा खर्चा कर रही है 70% पॉपुलेशन के लिए, वो सरकार का बच जाएगा। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि एक चीज को टारगेट करके, एक चीज पे फोकस करके, मोटे अनाज पे फोकस करके, मिलेट्स पे फोकस करके, सरकार बहुत बड़े पूरा का पूरा एक फूड चेन के माध्यम से और एक पूरे फूड सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से पीडीएस के द्वारा, एमएसपी के द्वारा, तमाम तरह के इनिशिएटिव के द्वारा, परियोजना योजना के द्वारा सरकार एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रही है कि जिससे कि एक साथ में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर लिया जाए और जो सरकार का जो लक्ष्य है कि 70% पॉपुलेशन को लेके जो सरकार का जो सोशल टारगेट है वो पूरा हो पाए। तो ये सबसे बड़ा समझ लीजिए कि प्रासंगिक कदम होगा सोशल सेक्टर को लेके फोकस करना, सोशल सेक्टर को फोकस करना और एक तरीके से उसको सॉल्व करना। ये वर्तमान सरकार का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा प्रपोजल है और प्रोजेक्ट है मिलेट्स को लेके, जिसकी जिसकी पहल से उन्होंने यूएनओ में, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सरकार की तरफ से प्रपोजल और प्रोजेक्ट जो भी वहां पे प्रस्तुत किया गया, जिसके 70 देशों के द्वारा समर्थन के उपरांत यूएनओ ने सन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने के लिए अपनी वो दे दी है, अनुमति दे दी है। तो ये हम लोगों का पूरा ये समझ लीजिए टॉपिक बहुत ही जरूरी है। इससे प्रीलिम्स में और मेंस में 100% क्वेश्चन आने हैं। प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, तीन क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन मेंस में इससे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अब इस वीडियो को आप देख लें, एक बार देखें, दो बार देखें और जिसको इसकी जरूरत है अगर शेयर करें और उस तक इसको अगर पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही एनालिटिकल तरीके से एनालिसिस करते हुए मैं इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक होगा, हम लोग डाटा को डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे कि किस किस कौन कौन सी जो मिलेट्स जो प्रोडक्शन है, कौन कौन सी मोटे अनाज की फसल है वो उसको हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सी बीमारी है, कौन विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स क्या पाया जाता है इसमें उसको देख लेते हैं और जो कि हम लोग का टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। और थोड़ा सा ये इसको हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं कि ये बाहर की कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का, अमेरिका का, बाहर की कंट्रीज का, चाइना का भी है, बहुत सारे देशों का भी एक एक तरीके से एक एक ऐसा जाल उन्होंने बिछा के रखा हुआ था कि जिससे सबको नुकसान हुआ। थोड़ा सा वो भी हम लोग समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बिना टॉपिक हमें लग रहा है कि अधूरा हो जाएगा। देखिए पहले तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि मोटे अनाज भारतीय थालियों से गायब हो गए, मोटे अनाज भारतीय थालियों से गायब हो गए। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि मोटे अनाज एक तरीके से समाप्त हो गए। अरे तो कोई बात नहीं है, मोटे अनाज समाप्त हो गए तो समाप्त हो गए। बहुत कम लोग जो जिनको इनका मैक्सिमम बेनिफिट पता होगा हेल्थ इश्यूज को लेके, हेल्थ कॉन्शियस होंगे, ठीक है, और जो पुराने लोग थे उनको इसका बेनिफिट्स पता होता था तो वो उसका यूज करते थे। वो पूरा अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वर्तमान समय में 3% ऑफ पॉपुलेशन अगर मिलेट्स को लेके अवेयर होगी तो फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, अगर मैं बता रहा हूं तो परसेंटेज के हिसाब से,
उसके बाद जो अगला जो स्टेप था पूरे कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का, है जो एशियंस कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज है, जो ऐसी कंट्रीज जहाँ कुपोषण की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, 80-90-95% ऑफ पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, स्वास्थ्य उनको तमाम तरह की दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं, गरीबी है, भुखमरी है, कुपोषण है, तो पहला तो इन्होंने मोटे अनाज को समाप्त कर दिया। अगर भारत की हरित क्रांति देखी जाए तो मोटे अनाज को पूरा हटा के पूरा का पूरा खरीफ रबी की फसल आ गई, अगर गेहूं चावल सबसे ज्यादा आ गया। चलिए यहां तक तो सही था, वर्तमान समय में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं तो इससे थोड़ा सा अच्छे से लिखने में आप लोगों को सहूलियत होगी। इन्होंने खरीफ और जायद की फसल को भी समाप्त कर दिया, खरीफ रबी को ही वहां पे लेते हैं, इसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। अब यहां पे तीसरा इन्होंने क्या सबसे बड़ा जो कदम उठाया है अभी वर्तमान में, बाहर के जो वेस्टर्न कल्चर्स की जो तमाम तरह के जो फूड आइटम होते हैं, रेस्टोरेंट कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, चाइना का कल्चर है, जापान का कल्चर है, जापान का फूड कल्चर है, चाइना का फूड कल्चर है, वेस्टर्न कंट्री का फूड कल्चर है, यूरोपियन कंट्रीज का जो फूड कल्चर है, रेस्टोरेंट है कल्चर, उसके बाद होटल कल्चर है, तमाम तरह के ऐसे जो फास्ट फूड आइटम है, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? इसीलिए कहते हैं कि अपने परंपरागत ज्ञान को छोड़ते हुए आप अगर पश्चिमी की तरफ जाएंगे, पश्चिमी ज्ञान यहां पे अगर कह दिया जाए, वेस्टर्न नॉलेज, अगर वेस्टर्न नॉलेज की तरफ आप जा रहे हैं तो आपको यही देखने को मिलेगा। तो तीसरा जो सबसे बड़ा उन्होंने चेंज किया पूरे दुनिया में फास्ट फूड को, अरे फूड आइटम्स को लेके, फूड प्रोडक्शन को लेके, फूड अवेलेबिलिटी को लेकर जो सबसे बड़ा उन्होंने चेंज किया, वो उन्होंने फास्ट फूड कल्चर ला दिया। अब नुकसान हेल्थ को लेके लगातार नीचे की तरफ जाइएगा तो हेल्थ इश्यूज यहां पे इतने बड़े हो जाएंगे कि पूछिए मत। आठ लाख लोग दुनिया में, भारत की अगर बात करें तो डायबिटीज से डेथ हो जा रही है, 2-3 लाख लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट डिजीज है, लीवर डिजीज है, किडनी फेलियर्स है, तमाम तरह की ऐसी उनके पास आप देखेंगे बीमारियां हो रही हैं, उसके पीछे इनका ये कल्चर था। अब कल्चर इन्होंने क्या अपना लागू कर दिया, फास्ट फूड कल्चर को इन्होंने पूरी तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज में हो गया, एशियंस कंट्री में वहां पर कर दिया कि अगर जो लोग हेल्दी भी हैं, जो लोग अगर मान लीजिए कि अपर क्लास हैं, जो मिडिल क्लास के लोग भी हैं, उनके अंदर भी उन्होंने अगर उनके पास अवेलेबिलिटी है, अगर उनके पास इनकम है, तो उनको उन्होंने कहां पे सीमित कर दिया, तो सरकार को अपर और मिडिल क्लास के हेल्थ को भी देखना है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकार को डेवलपमेंट और सबसे ज्यादा विकास और सबसे ज्यादा अगर उनको इनकम कहीं से प्राप्त हो रही है और टैक्स कहीं से प्राप्त हो रहा है तो अपर क्लास से और मिडिल क्लास से ही प्राप्त हो रहा है, तो उनके भी हेल्थ इशू को देखने के लिए सरकार ने मोटे अनाज को, मिलेट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की है। मोटे अनाज को लोग इसीलिए उपयोग नहीं कर रहे हैं कि पहली चीज तो ये है कि इससे जो जितने भी तरह के जो फूड आइटम बनते हैं, जो पकवान बनते हैं, उसको बनाना बड़ा कठिन है। आजकल के इतने फास्ट लाइफ में अगर अपर क्लास के मिडिल क्लास की बात करें, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इसको इतना दे पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए उनके थाली से वो एक तरीके से समाप्त हो गया, वो एकदम से बाहर हो गया भारतीय थाली से, ठीक, उसको इसको बनाना, इसको सहेजना और इसको क्या कहते हैं, इसको इससे संबंधित जितने भी फूड आइटम बनते हैं वो बड़ा ही कॉस्टली तो नहीं कहेंगे, उसको टाइम प्रोसेस वो कहते हैं, उसको टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने और नहीं किया, अब इनको ये भी नहीं चाहिए, खरीफ रबी की भी जितनी फसलें हैं, गेहूं चावल से बने हुए उत्पाद भी इनको नहीं खाना है, अगर सीधे सीधे कहा जाए तो दाल रोटी सब्जी सब्जी रोटी भी नहीं इनको खाना है, दाल चावल भी नहीं खाना है, मतलब वो भी इनको छोड़ के अब कहां पे इनको आना है, फास्ट फूड पे आना है। फास्ट फूड पे आना है तो मैगी खाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, ठीक है, सब सब वेस्टर्न कल्चर है, मोमोज खाना है, पास्ता खाना है, फ्रेंच फ्राइज खाना है, तमाम तरह की समझ लीजिए सैंडविच खाना है, ये खाना, तमाम तरह के जितने भी फास्ट फूड आइटम है, पता नहीं कितने हैं कि उसकी कोई
इडली नहीं, इडली डोसा सांभर तो मान लीजिए कि ये साउथ इंडियन है, फिर भी बहुत पौष्टिक है, ठीक है। वो उसकी हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे, फास्ट फूड में, फास्ट फूड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जितने भी तरह के ऑयली चीजें हैं जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती हैं, फास्ट फूड आइटम है, नूडल्स हो गए हैं, चाउमीन हो गया है, ठीक है, बर्गर पिज्जा फ्रेंच फ्राई हो गया है, चिप्स हो गया है, जो पैकेट फ्रूट्स, अच्छा इसके साथ साथ फास्ट फूड के साथ साथ भी पैकेट फूड्स को सबसे ज्यादा वो बढ़ा, और जो सेल्फ मेड हो सके और जिसमें टाइम टेकन ना हो, जो टाइम टेकन ना हो, उस कल्चर को इन्होंने लागू करके सीधा सीधा क्या खड़ा कर दिया, हेल्थ इश्यूज खड़ा कर दिया। और जो लोगों की जीवन प्रत्याशा थी, जो आयु थी लोगों की, तो जीने की कितना पुरुष और कितना महिला होनी चाहिए, तो महिलाओं की 65 है, 65 और पुरुषों की 60 ईयर है भारत में अगर देखा जाए। और पता नहीं समय कितनी है, हमें नहीं पता कि महिलाएं 65 साल तक जीवित रहेंगी, पुरुष 60 साल तक जीवित रहेंगे, इसको घटा बढ़ा के एकदम समझ लीजिए लाख ही लोग 50 साल अब नहीं रखेंगे, क्योंकि डायबिटीज होंगी फास्ट फूड में, मोटे अनाज का तो प्रयोग अनुप्रयोग कर ही नहीं रहे थे, डायबिटीज होगा, ये होगा, हार्ट डिजीज होंगे, किडनी फेलियर होंगे, लीवर फेलियर होंगे, तमाम तरह की चीजें तो होंगी ही होंगी, बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज होंगे, ठीक है, इम्यूनिटी लोगों की घट जाएगी। भारत में कोविड के उतने बड़े इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़े कि जितने ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाई पड़े। उसके पीछे रीजन क्या था, इम्यूनिटी लोगों की यहाँ बड़ी स्ट्रांग थी, कुछ लोग अभी भी खाते होंगे, मोटे अनाज का प्रयोग अभी भी करते होंगे, मिलेट्स का प्रयोग अभी भी करते होंगे, हेल्थ कॉन्शियस होंगे, इम्यूनिटी से संबंधित चीजें करते होंगे, फास्ट फूड नहीं खाते होंगे। तो ऐसे जितने भी लोग थे वो लोग, कोविड का उनके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, उनकी डेथ ही नहीं हुई जितना बाहर की कंट्री में, चाइना में जितनी डेथ हुई, अमेरिका में हुई, ब्राजील में हुई, जापान में हुई, बड़े बड़ी कंट्रीज में जितना हुई, क्योंकि उनके यहाँ ऐसे जो चीजें हैं, जो खाद्यान्न हैं, अब जो हेल्थ कॉन्शियस फूड है, उनके यहाँ प्रयोग ही नहीं किए जाते हैं, उनके यहाँ कल्चर एकदम फास्ट हो गया। फास्ट फूड का मतलब है कि तुरंत आइए, तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए, और फिर आपको, या फिर कहीं पे जाइए रेस्टोरेंट में, तुरंत ऑर्डर करिए, मुश्किल से मुश्किल आधा मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड लगेगा, तुरंत आपको सर्व कर दिया जाएगा। अब वहां पे किसी से जाके कहिए बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी, बाजरे उसके बाद ये हमको मक्के की रोटी ला के दीजिए, बाजरे की रोटी ला के दीजिए, तो मेथी की साग का पराठा बना के दीजिए, ये वो, ये सब जितने भी चीजें हैं उनसे संबंधित, जैसे बाजरा, मक्का, रागी, राई, ये जितने भी मोटे अनाज हैं, इनसे संबंधित कोई रेस्टोरेंट खुला। सरकार तो चाहती है किससे भी लोग स्टार्टअप शुरू करें, रेस्टोरेंट कल्चर मोटे अनाज में, मिलेट्स में शुरू किया जाए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स मिलेट्स का किया जाए, तमाम तरह की चीजें सरकार के द्वारा करी तो जा रही है, लेकिन आप इनसे संबंधित जो भी मिलेट से संबंधित फूड आइटम्स हैं वो आप रेस्टोरेंट में मांग के देखिए, कभी नहीं मिलेगा आपको। तो ये सरकार के द्वारा, इसीलिए उसको इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको सॉल्व किया जा सकता है, और मिलेट्स टारगेट करते हुए, मोटे अनाज को टारगेट करते हुए, लक्ष्य निर्धारित करते हुए, स्वास्थ्य संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, गरीबी, कुपोषण, भुखमरी, इन सब, इस सभी से सरकार बाहर निकल सकती है। और जो डेवलपमेंट, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, और जो हेल्थ इश्यूज हैं, और जो वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक आते हैं, उन सब से इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए, सबको फोकस करते हुए, टारगेट करते हुए, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकती है सरकार। इसीलिए इतना ये प्रोग्राम चलाया गया सरकार की पहल से, भारत सरकार ने यूएनओ में प्रस्ताव, प्रपोजल रखा, 70 देशों ने समर्थन किया, और सन 2023 को पूरा का पूरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया गया, 2023 को, सन 2023 को। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग रिपोर्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, काफी यहाँ पर डिस्कशन हो गया है आज, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला तो ये है कि देखिए, मोटे अनाज को मिलेट कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक मोटा दाना होता है, दूसरा छोटा दाना। मिलेट में देखिए आता क्या क्या है, बाजरा, रागी, इग्नोरा, बैरी, कंगनी, कुटकी, लघु धान, कोदो, चेना, सावा और जौ आदि सब मिलेट्स में आते हैं। ये डिस्कस हम लोग कर ही लिए हैं कि हरित क्रांति 1960 के बाद था, कुपोषण, ये सब तो कम, इसको कम पानी और खर्चे में ये अनाज उग सकता है, ठीक है, पशुओं के चारे के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है, और इसमें जो फर्टिलाइजर होता है वो बड़ा कम उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से ये हेल्थ कॉन्शियस तो होता ही है। जितने तरह के जो उर्वरक हम लोग यूज करते हैं,
रबी की फसल में, खरीफ की फसल में, जायद की फसल में, उसके अगर कंपेयर हम लोग देखेंगे तो जो मिलेट्स की जो जितने भी तरह की फसलें होती हैं वो उसमें फर्टिलाइजर का कम यूज होने के कारण वो हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा होती हैं, रबी और खरीफ के कंपेयर में मिलेट्स की जो जो, जो प्रोडक्शन होता है। और इसको बिना यानी कि जो पानी की समस्या है और खराब मिट्टी है और ऐसे ऐसे जगह पे जो उर्वरक भूमि नहीं वहां पे भी उगाया जा सकता है, ये हो गए मिलेट्स के खाने के। और इसमें कीटनाशकों का कम प्रयोग किया जाता है और ये इस कीटनाशक इसको कम से कम हानि भी पहुंचाते हैं जिसके कारण से इसका लार्जर प्रोडक्शन किया जा सकता है। मिलेट्स खाने के क्या क्या फायदे हैं? कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B6 ये और कैरोटीन, लेसिथिन आदि तत्व प्राप्त होते हैं जिसके कारण से हेल्थ स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो जिसके कारण से हेल्थ इशू नहीं होंगे। मिलेट शरीर में अम्लता और एसिड को दूर करता है। ये प्रीलिम्स में या फिर वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि जो अम्लता होती है, जो एसिडिटी होती है और वो सबको इसको एसिड को और अम्लता को दूर करता है। इसमें विटामिन B3 होता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को ठीक रखता है। और जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और जो रक्त में धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है ये जमने नहीं देता है क्योंकि इसको बनाया इस तरीके से जाता है, इसमें वो ऑयल ऑयल का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है मैक्सिमम। डायबिटीज को रोकने में सक्षम है, अस्थमा रोग में लाभदायक है, पाचन तंत्र को फाइबर होने के कारण, फाइबर फूड इसको कहा जाता है और इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। ठीक है, सुपर फूड होने के कारण, फाइबर फूड होने के कारण, मैक्सिमम फाइबर प्रोडक्शन होने के कारण ये मिलेट्स में, जिससे कि पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो बड़ा स्ट्रांग रहता है। इसके प्रयोग से डे बाय डे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग होता जाएगा, हार्ट, किडनी, लीवर सब आपके स्ट्रांग होते जाएंगे और मेनली इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। और ये इसके मिलेट्स के प्रयोग से वेट भी गेन नहीं होता है, मोटापे की समस्या को भी नहीं होगी जितना बाकी से होता है। ठीक है, फास्ट फूड से तो एकदम होता है, रबी और खरीफ की फसलों से भी होता है, लेकिन इसके यूज से या प्रयोग अनुप्रयोग से कहीं नहीं पाया गया है कि लोग मोटापा ग्रसित भी होते हैं तो जो तमाम बीमारियों का कारण होता है वो भी नहीं होगा। इसमें कैरोटीन, प्रोटीन, कैल्शियम और जिंक जैसे तमाम तरह के वो होते हैं। ठीक है, ये 2000 उसके बाद एक रिपोर्ट में 23 में ये कहा ही गया है, स्वास्थ्य लाभ है, ये सब आपको बताया ही जा चुका है। बाजरे में मधुमेह रोग को रोकने में ये सहायता करती है, कंट्रोल होता है, ये सब आपको बताया गया है। और तेलंगाना में एक उद्यमी थे, उन्होंने बीते वर्ष में 1200 टन मिलेट से अपना यूज करते हुए, मिलेट्स मोटे अनाज का यूज करते हुए तमाम तरह की मिठाइयाँ, उससे रिलेटेड फूड आइटम्स बनाए हैं और 1200 टन की बिक्री की है। ये बड़ा अच्छा, समझ लीजिए एक तरीके से प्रोत्साहन देने वाला काम है। और जौ और बाजरा 21 राज्यों में इसकी खेती की जाती है, हर राज्य इतने अपने अलग अलग किस्म है। इसकी खाद्य संस्कृति का, फूड कल्चर का एक तरीके से प्रमाण है और धार्मिक अनुष्ठानों में यूज ही किया जाता है, बताया ही गया था। इंडिया में 1.4 टन बाजरा का उत्पादन करके दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभी एक रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि 1.4 टन मिलेट्स का उत्पादन करके भारत दुनिया में बाजरा के उत्पादन में नंबर एक पे है। बीते 50 साल में ये तो बता ही जा चुका है कि कृषि योग्य भूमि हरित क्रांति के कारण है। डॉक्टर हॉप्स कहती हैं, जो FAO में फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड में जो डायरेक्टर हैं, बीते सालों में चावल और गेहूं की उपज बढ़ाने में बहुत अधिक जोर दिया गया है। इस दौरान बाजार में कई दूसरे पारंपरिक खाद की उपेक्षा की गई जिसमें मोटे अनाज भी है। इनको पकाना आसान नहीं है और किसी के पास इतना पर्याप्त समय नहीं है। और इसके साथ साथ बाजारवाद भी ने भी जो जो बाजारवाद है, जो उद्यमी हैं और जो बड़े बड़े फूड ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, जिनके तरफ से पैकेट फूड बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट कल्चर है, वो होटल कल्चर है, उनके तरफ से भी बाजार सिस्टम ने ऐसा किया है कि एक तरह से एकदम से इसको पीछे छोड़ दिया है। बीते 2 सालों में बाजरा और अन्य मोटे उत्पादों में 146% की वृद्धि हुई है, जो मोटे अनाजों से बने हुए चिप्स, कुकीज, अन्य फूड आइटम सुपरमार्केट में बेचा जा रहा है और PDS के थ्रू 1 रुपया पर KG के हिसाब से इसको गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। तो ये हम लोगों का पूरा का पूरा था। और कोविड संघर्ष और क्लाइमेट चेंज में, पैंडेमिक में, स्ट्रगल में
और अगर बात की जाए क्लाइमेट चेंज में, तो इसने अपना बहुत बड़ा रोल दिखाया है और एक तरीके से सरकारों की पहल से इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसकी इसको प्रोडक्शन करना है और मैक्सिमम लोगों तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। हम मैक्सिमम बेनिफिट बताते हुए हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करते हुए ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक तरीके से समावेशी विकास को जिसकी परिकल्पना थी उसको सही साबित करना है। ठीक, कुछ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि इसमें एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 70 कंट्रीज के द्वारा इसको वो किया गया था। भाई रिपोर्ट भी देखना जरूरी है। 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन है और एशिया 80% प्रोडक्शन करता है इसका पूरा एशिया। ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसीलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इंडिया, नाइजीरिया और चाइना लार्जेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। तीन नाम मैंने यहाँ पे लिए थे, पहला था इंडिया, दूसरे नंबर पे नाइजीरिया और तीसरे नंबर पे चाइना है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड में तीन है, इंडिया, नाइजीरिया और चाइना। 55% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन है ये पूरे के पूरे में है। ठीक है, अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यूनाइटेड नेशन रिवॉल्यूशन ऑफ विच इंडिया टुक द लीड में 70 कंट्री के द्वारा इसका समर्थन करने के कारण 2023 का जो साल था वो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर ऑफ मिलेट्स करके मनाया जा रहा है। मेजर प्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, अफ्रीका में भी इंक्रीज हो रहा है जहाँ कुपोषण की समस्या और गरीबी की समस्या सबसे ज़्यादा है। न्यूट्रिशन की बात की जाए लेस एक्सपेंसिव है, सस्ता है और न्यूट्रिशन सुपर तमाम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में है मिलेट्स में और मोटे अनाज में, और ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है। ग्लूटेन फ्री है, ग्लाइसमिक इंडेक्स अगर देखा जाए जो इसमें ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये डायबिटीज में बहुत वो होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए ये अच्छा माना जाता है ये ग्लूटेन फ्री होने के कारण है। और जो ग्लाइसमिक इंडेक्स है उसमें भी कमी आती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है मिलेट्स का प्रयोग करने से। फोटो इनिशिएटिव है और क्लाइमेट चेंज में भी इसको उगाया जा सकता है। लेस वाटर कंज्यूमिंग है, कैपेबल गोइंग अंडर ड्राफ्ट कंडीशन, सूखे की स्थिति में और जो सूखा ग्रसित क्षेत्र है वहां पे भी मोटे अनाज का उत्पादन किया जा सकता है पानी की कम से कम उपलब्धता और क्लाइमेट चेंज होने या वेदर शिफ्टिंग होने के बाद भी। इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट है, इनिशिएटिव और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इनिशिएटिव मिलेट्स प्रमोशन INSIMP इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो रबी और खरीफ और जैद की फसलों में थी अब वो मोटे अनाजों में भी सरकार की तरफ से दी जाने लगी है। और इसको फार्मर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तमाम तरह के इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं और न्यूट्रिशन हेल्दी होने के कारण इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये हम लोगों का पूरा जो टॉपिक था, हम लोग देख रहे थे मिलेट्स मोटे अनाज। कोशिश यही की गई है कि पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट कर लें जिससे कि ये हो पाए। 8 करोड़ लोग डायबिटीज में और 1.3 करोड़ लोग हृदय हार्ट डिजीज से मरते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में मिलेट्स के प्रयोग से। ग्लूटेन फ्री होने के कारण, ग्लूकोज इंडेक्स मेंटेन होने के कारण, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूट्रिशंस तमाम तरह की चीज़ें होने के कारण जो हेल्थ इशूज हैं, जो हेल्थ डिजीज हैं वो कम से कम होगी और हेल्दी होने के कारण पूरा का पूरा जो विकास है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। तो ये हम लोगों का पूरा टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, कुछ डाउट्स होंगे आपको आज के टॉपिक को लेके, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के ही आंसर देने की कोशिश की जाएगी और अगर वहाँ पे नहीं बताया जा पा रहा है तो कोशिश ये की जाएगी कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसको डिस्कस करते हुए हम लोग आगे देखेंगे। तो आज हम लोगों का ये पूरा का पूरा टॉपिक किस पे था, मोटे अनाज पे था। और जो इस साल का जो वर्ष है, जो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष है, उसको क्यों घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उस पर बेस्ड था। बेनिफिट्स क्या थे, प्रॉफिट्स क्या थे, कैसे हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण मिलेट्स फूड आइटम को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है, सरकारों के द्वारा कौन सी पहल थी, हेल्थ इश्यूज कौन थे, सोशल सेक्टर के कौन से इश्यूज थे, इकोनॉमिक कैसे बूस्ट हो सकती है, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट समावेशी विकास कैसे हो सकता है,
पूरा का पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और विषय के साथ में, अधिक से अधिक एनालिसिस और एनालिटिकल अप्रोच के साथ में। तब तक आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।